मिक्स वेजिटेबल जूस के लिए क्या क्या चाहिए पहले वो जान लेते हैं। हमने जो है दो खीरा ले रखे हैं, तीन गाजर हैं, दो टमाटर हैं, डेढ़ नींबू है, एक चुकंदर है, एक अपना एक करेला है, दो आंवला है, और अपने पास ये कुछ मूली के पत्ते और पालक के पत्ते हैं जिसे हम लोग अच्छे से करेंगे। ये जो है 3 गिलास जूस की रेसिपी है, तो आपकी क्वांटिटी जितनी भी हो उस हिसाब से अपनी क्वांटिटी देख लेना, जितने गिलास चाहिए उस हिसाब से क्वांटिटी एडजस्ट कर लेना। ये 3 गिलास जूस की है, जो मार्केट में जूस गिलास मिलते हैं उस 3 गिलास जूस की क्वांटिटी है। मशीन अपनी पूरी सेट हो चुकी है और चलो अब जूस निकालना शुरू करते हैं। इसको बंद रखने से जूस बहुत अच्छा मिक्स होगा और बाद में जब ये भर जाएगा तो हम उसको खोल देंगे। तो जूसर अपना पूरा फिल हो चुका है, पूरा भर चुका है, हम इसे ओपन कर लेंगे जिससे सारा जूस बाहर आ जाए, क्योंकि इसमें 400 ml की ही कैपेसिटी है। उसके बाद हम दोबारा अपनी वेजिटेबल्स डालेंगे जिससे वापस से जूस निकल सके। जूस पूरा रेडी हो चुका है, अब देखना ये है कि जूस कितना निकला है, 3 गिलास निकला है या उससे ज़्यादा। इस मशीन की यही खासियत है, ये जूस बहुत निचोड़ के निकालती है, अच्छे से निकालती है। देख सकते हैं वेस्ट कितना कम निकला है और जूस बहुत ज़्यादा निकला है। तो ये जो गिलास है वो 3 गिलास जूस के बराबर है, जो हम लोग मार्केट में जूस पीते हैं, जो जूस का गिलास होता है मार्केट में, वो 3 गिलास जूस इसमें आ जाते हैं। मैंने पहले करके देखा है मार्केट से ला के, तो वो पूरा 3 गिलास जूस का गिलास है ये। इसमें हम डाल के देखेंगे जूस कितना है। तो देख सकते हैं जैसा मैंने कहा था, ये 3 गिलास जूस ही निकलेगा क्योंकि उसी की रेसिपी थी। तो पूरा 3 गिलास जूस, पूरे पूरा 3 गिलास जूस आया है और जूस का कलर भी बहुत अच्छा आया है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।